वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। बॉलीवुड स्टार और पूर्व मिस वर्ल्ड रही ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली में ईडी की पूछताछ उनसे चल रही है। करीब आधे घंटे से ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की जा रही है। उनसे पनामा पेपर्स लीक मामले में पूछताछ हो रही है। ऐश्वर्या राय से फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लेकर भी पूछताछ की खबर है। ईडी ने ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए समन भेजा था। बताया ये जा रहा है कि उन्हें पहले भी समन जारी किया गया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई और कम से कम दो बार अगली तारीख की उन्होंने मांग की थी। पनामा पेपर्स लीक मामले में दुनिया भर की तमाम मशहूर हस्तियों के नाम सामने आए थे और इन लोगों पर टैक्स फ्रॉड के आरोप लगे थे। भारत के भी ऐसे 500 लोगों के नाम पनामा पेपर्स में शामिल थे और इनमें से एक नाम ऐश्वर्या राय बच्चन का भी था। गौनिका अरोड़ा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, क्या सिर्फ 2005 वाले मामले से जुड़ी हुई पूछताछ ईडी कर रही है या फिर कुछ अन्य मामलों में भी ऐश्वर्या राय से पूछताछ हो रही है? देखिए, फिलहाल जो है 2005 में जो कंपनी जो ऑफशोर कंपनी जो बनी थी उसको लेकर ही पूछताछ के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को समन दिया गया था। ऐश्वर्या राय बच्चन को पहले खान मार्केट वाले ऑफिस के लिए समन दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने निजी कारणों से इनकार कर दिया था कि वो आज पेशी के लिए नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब ईडी के अधिकारियों को जानकारी मिली कि वो दिल्ली में है, लेकिन उसके बावजूद वो पेशी के लिए नहीं आ रही है, जिसके बाद ईडी दफ्तर से दोबारा उनके पास फोन गया और आज उन्हें और दोबारा उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। जामनगर ऑफिस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन करीब 1 बजे यहां पर पहुंची हैं। करीब 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, उनके साथ पूछताछ जारी है। ईडी के अधिकारियों की तरफ से जो सवालों की फेरिस्त तैयार की गई थी उसको लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी ऐश्वर्या राय बच्चन इस वक्त जामनगर की ईडी ऑफिस के अंदर ही मौजूद हैं। अभी एक गाड़ी में वो यहां पर कुछ देर पहले पहुंची थी और उसके बाद तब से वो अंदर ही है। कितने घंटे तक ये पूछताछ चलेगी, कब तक ये पूछताछ चलेगी, ये अब देखना होगा। और जो मामला 2005 का ऑफशोर कंपनी का था, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का भी एक होल्डर थी, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2009 में उस कंपनी को समेट दिया गया था। लेकिन जब ये पूरा मामला 2016 में सामने आया, उसके बाद से ही इस पूरे मामले के को लेकर जो एसआईटी बनी थी वो इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें ईडी की तरफ से समन ऐश्वर्या राय बच्चन को पहले भी 2 बार जारी किया गया था, लेकिन 2 बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन ने पेश होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कोई निजी कारण का हवाला दिया था, लेकिन आज भी वो यहां पर पेश हुई है। इसी गाड़ी में वो इस यहां पर ईडी ऑफिस में पहुंची है। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ 2 और लोग इस गाड़ी में थे, ड्राइवर और इसके साथ एक और शख्स। हालांकि अभी कुछ देर में जब ऐश्वर्या राय बच्चन बाहर निकलेंगे, जब उनसे पूछताछ खत्म हो जाएगी, तब देखना होगा कि क्या वो मीडिया से बात करती है या अपनी तरफ से उनको क्या उनका लेकर क्या कहना है, क्योंकि इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन इस पूरे मामले को लेकर सफाई दे चुकी है। उनका कहना है कि वो ये सारे जो आरोप उन पर लगे हैं ये सारे झूठ हैं, उन्होंने सारे आरोपों को निराधार बताया था। लेकिन आज क्योंकि ईडी ऑफिस में वो सामने पेश हो चुकी है ईडी के सामने, अब देखना होगा कि ईडी का आगे को लेकर क्या कार्रवाई होती है, ईडी इन पर क्या कार्रवाई करती है या फिर दोबारा उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार है कि ऐश्वर्या राय बच्चन कितनी देर में ईडी ऑफिस से निकलेंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, इन तीनों का नाम सामने आया था और उसके साथ साथ 400 भारतीयों का भी नाम सामने आया था, जिसमें कई सेलिब्रिटी, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स हैं, इसके अलावा पॉलिटिशियंस, कई बिजनेसमैन, इन सबका नाम सामने आया था। और पूरी एसआईटी जो इस मामले में बनी थी वो लगातार सभी को समन भेजकर इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। इससे पहले अभिषेक बच्चन से पूछताछ हुई थी, ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार समन दिया गया था, लेकिन दोनों बार वो नहीं आई थी और आज भी उनकी तरफ से पहले इनकार किया गया था, लेकिन ईडी की तरफ से जब दबाव बनाया गया तो ईडी ऑफिस में आज वो पेश हो चुकी है। जामनगर हाउस के इस ईडी ऑफिस में ऐश्वर्या राय बच्चन इस वक्त अंदर मौजूद हैं और ईडी के सवालों का इस वक्त जवाब दे रही हैं। बिल्कुल गौनिका, और ऐश्वर्या राय बच्चन की अगर बात की जाए तो लगातार उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। क्या आपके पास कोई जानकारी, क्या संभावित सवाल जो उनसे पूछे जा रहे हो, क्या अभिषेक बच्चन से जब पूछताछ हुई थी उससे जुड़ा हुआ भी सवाल उनसे पूछा जा सकता है उस इन्वॉल्वमेंट को लेकर? देखिए, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन की जो कंपनी है वो उनकी शादी से पहले की कंपनी थी, 2009 से पहले का ये मामला है। ये बताया जा रहा है कि 2009 में उस कंपनी को बंद कर दिया गया था, 2005 में ये कंपनी शुरू की गई थी, तो उनकी शादी से पहले की बात है। ऐसे में अभिषेक बच्चन से जुड़ा हुआ ये सवाल होगा या नहीं, ये अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। और ईडी क्या सवाल उनसे पूछेगी, ये जाहिर तौर पर जो उस कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स थे, क्योंकि उस कंपनी में उनके पेरेंट्स का नाम, उनके भाई का नाम भी था, इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम को ए राय नाम से
से कहा गया था कि निजता का हवाला दिया गया था। इसके अलावा जो कंपनी बनाई गई थी उस कंपनी में पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को शेयर होल्डर, उसके बाद वो डायरेक्टर थी और उसके बाद धीरे धीरे वो उस कंपनी से हट गई थी और 2009 में ये कहा गया था कि उस कंपनी को बंद कर दिया गया था। ये सारे सवाल उनके सामने रखे जाएंगे, उस कंपनी में कौन कौन शामिल था, क्या कितना पैसा उनकी तरफ से उस कंपनी में डाला गया था, इसके अलावा कितना पैसा, क्योंकि ये सारा जो पैसा है वो टैक्स एविजन के तौर पर ही तमाम सेलिब्रिटीज की तरफ से, तमाम पॉलिटिशियंस की तरफ से कंपनीज में लगाया गया था ताकि टैक्स से बचाया जा सके, ऐसे में कितना पैसा उनकी तरफ से उन कंपनी में ट्रांसफर किया गया था, ये सारी चीजों को लेकर सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और अब ऐश्वर्या राय बच्चन फिलहाल अंदर तो मौजूद ही हैं, करीब 2 घंटे उनसे पूछताछ के हो चुके हैं, 1 बजे वो लगभग अंदर गई थी और अभी 3 बज चुके हैं और अभी भी वो ईडी ऑफिस के अंदर ही मौजूद है। अब देखना होगा कि ईडी कितने घंटे तक उनसे पूछताछ करती है, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन को लगातार ईडी की तरफ से समन दिए जा रहे थे, 2 समन पर वो पेश नहीं हुई थी लेकिन आज 3रे समन पर उन्हें ईडी ऑफिस में पेश होना ही पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल गौनिका, आप बने रहिए ईडी दफ्तर के बाहर, आप वहां मौजूद हैं और वहां से हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। इसी बीच मुंबई से मेरे सहयोगी राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ये जो कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी कि ऐश्वर्या नहीं आएंगी फिर वो आ गई, तो दरअसल इसका कारण क्या था और क्या ऐश्वर्या आज ही वहां से निकली मुंबई से या वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद थी? राजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी राजीव, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं ये जानना चाहूंगी फिलहाल ऐश्वर्या राय के घर के बाहर किस तरह की स्थिति, और लगातार सुबह से ही ये स्थिति बनी हुई थी कि ऐश्वर्या नहीं आएंगी, फिर एकाएक हमें खबर मिली कि वो ईडी के ऑफिस पहुंच चुकी हैं, तो क्या वो पहले से ही राजधानी दिल्ली में मौजूद थी या सुबह सुबह निकली? बिल्कुल, देखिए वो दिल्ली में पहले से ही मौजूद थी, चूंकि सम्मन उनको मिला था, परिवार को इस बात की जानकारी थी, ऐश्वर्या को इस बात की जानकारी थी। हालांकि अब दिल्ली में खुद जयप्रदा भी मौजूद है और वहां से भी इस तरह की जानकारी आई थी कि जया बच्चन दिल्ली में ही है, लेकिन लगभग 11 बजे के आसपास इस तरह की जानकारी आई कि ऐश्वर्या बच्चन ने ईडी से कुछ मोहलत मांगी है, जो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद में ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि संभवतः ऐश्वर्या बच्चन जो है आज ईडी की पूछताछ के लिए हाजिर ना हो पाए, लेकिन अचानक से ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या पहुंची चुकी, वो पहले से ही दिल्ली में मौजूद थी। फिलहाल अब उनसे पूछताछ की जा रही है, कितने घंटे तक पूछताछ चलेगी और किस तरह का जवाब पनामा पेपर लीक को लेकर ऐश्वर्या बच्चन देती है, क्या किस तरह का डॉक्यूमेंट भी लेकर गई है, क्योंकि इसके पहले जब अभिषेक बच्चन का बयान दर्ज किया गया तो अभिषेक बच्चन की तरफ से कुछ दस्तावेज भी मुहैया करवाए गए थे, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।